हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिर में विकास सक्सेना और आप देख रहे हैं विकास जी टेक। फिर आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑलनेट प्राइवेट प्रॉक्सी ऐप के बारे में, कैसे कैसे यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर करके सर्च कर देना होगा और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी रेटिंग देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 50 लाख प्लस डाउनलोड भी, यहाँ पर 22,000 प्लस रिव्यू भी है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसे ओपन कर देना होगा। चलिए इसे ओपन कर देते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग होने लगेगा। लोडिंग होने के जस्ट बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताए गए हैं, आपको इसे पढ़ लेना होगा। उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब इस पर क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सर्वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट प्रॉक्सी ऐप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फीडबैक एंड सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे यदि आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आ जाना होगा बाइक। बाइक आने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्वर देखने को मिल जाएगा और कौन सा सर्वर आप यूज करेंगे तो आपको नेट का स्पीड क्या होगा यहाँ पे आपको बताया गया है। यदि आप सर्वर चेंज करना चाहते हैं आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे अब आपका सर्वर चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से सर्वर चेंज करना चाहते हैं अपना सर्वर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे सर्वर चेंज करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप जो भी सर्वर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ओके का परमिशन मांगे तो आपको ओके कर देना होगा। एक बार फिर से आपको ओके कर देना होगा। जैसे आप ओके करेंगे अब यह VPN आपके फ़ोन में कनेक्ट होने लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और कनेक्टिंग होने देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग होने के जस्ट बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। किस कंट्री का सर्वर यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप रेटिंग देना चाहते हैं रेटिंग दे सकते, नहीं तो आपको आ जाना होगा बैक। जैसे आप यहाँ पे बैक आएंगे, अब यहाँ पे इसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हो आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या आप इसका स्पीड चेक करना चाहते हो आप इस पर क्लिक करके स्पीड भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, इस VPN को यूज करके आप फ्री फायर खेलना चाहते हैं, पबजी खेलना चाहते हैं या आपके कंट्री में कोई ऐप बैन है और आप उस ऐप को चलाना चाहते हो, आप इस VPN को यूज करके कोई भी ऐप चला सकते हैं। या आप कोई ब्राउजर ओपन कर रहे हैं तो आपका ब्राउजर नहीं चल रहा है तो आप इस VPN को कनेक्ट करके कोई भी ब्राउजर चला सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। जानकारी के लिए वीडियो को